Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So today we'll start your new unit. You have done the chapter of heart. Now today we will start the circulatory system. Clear? Circulatory system basically heart and vessels combinedly, that is called cardiovascular system. Cardiovascular system is composed of two parts. Ek hai heart. दूसरा हार्ट जहां पर ब्लड पंप करता है, यानी वो वेसल्स जिनके अंदर ब्लड घूमता रहता है, हार्ट की तरफ से जाता है, पूरी बॉडी में घूम के वापस हार्ट की तरफ आता है, ये वैस्कुलर सिस्टम हमारा कहलाता है सर्कुलेशन का सिस्टम। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम विल डिफाइन के दैट इंक्लूड हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। हार्ट पंप्स ब्लड इन टू ब्लड वेसल्स, ब्लड vessels circulate the blood throughout the body, blood transports nutrients and oxygen to the tissue and remove carbon dioxide and waste product. अब ये blood की circulation का क्या काम है? Blood का काम जो है वही circulation का काम है। Blood का काम आपने पढ़ा है, चीजों को transport करता है। अब हमारा blood heart जब उसको pump करता है तो अपने साथ oxygen लेके जाता है tissue में, दूसरी जो है غذا की चीजें लेके जाता है nutrients। फिर उन टिश्यू में जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स बनती हैं और ऑक्सीजन यूज करने से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसको वापस लाता है लंग्स के पास। ठीक, एंड दिस इज जस्ट आवर इंट्रोडक्टरी लेक्चर आज सर्कुलेशन का। सर्कुलेशन में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही हम करेंगे। ठीक, ऑल दी सर्कुलेटरी चैप्टर्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट। ब्लड वेसल्स, कितनी किस्म की वेसल्स होती हैं, यानी जो भी ब्लड वो रास्ते जिनमें से ब्लड गुजरता है उनको ब्लड वेसल्स कहते हैं। वो तीन किस्म की होती है, या तो आर्टरियां होंगी, आर्टीरियल सिस्टम, या वेन होगा, या कैपिलरी होगी। तीन चीजें। नाउ आर्टीरियल सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ एओर्टा, आर्टरीज एंड आर्ट्रियोल्स। वॉल ऑफ द आर्टरीज हैव थ्री लेयर्स। ये जनरली आर्टरी का स्ट्रक्चर है, ये छोटी बुक्स में भी लिखा है, आप थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। दिस इज बेसिकली हिस्टोलॉजी के तीन लेयर होती है, आउटर ट्यूनिका एडवेंटिशिया, दूसरे को ट्यूनिका मीडिया कहते हैं, और सबसे इनर मोस्ट जो है ट्यूनिका एंटीमा। ट्यूनिका एंटीमा के अंदर एंडोथेलियल सेल्स होते हैं ब्लड वेसल्स के अंदर, जो फिर टच में रहते हैं, जो उनके अंदर से ब्लड गुजरता है। ठीक, रेजिस्टेंस, ये चीजें छोटे छोटे वर्ड है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। रेजिस्टेंस या पेरिफेरल रेजिस्टेंस इज ऑफर टू ब्लड फ्लो इन द आर्टरियोल्स एंड सो द वेसल्स आर कॉल्ड रेजिस्टेंस वेसल। अब आर्टीरियल सिस्टम में देखें, आर्टरी बड़ा, सबसे बड़ी आर्टरी है एओर्टा, फिर छोटी आर्टरियां, फिर सबसे स्मॉलेस्ट आर्टरी को कहते हैं आर्टरियोल, आर्टरियोल के बाद कैपिलरी शुरू हो जाती। अब जो ब्लड फ्लो करता है इस सिस्टम में एओर्टा में, छोटी आर्टरियों में तो इजीली कर जाता है, सबसे ज्यादा रुकावट जो ब्लड के अगेंस्ट एग्जर्ट करता है दैट इज आर्टरियोल। सो आर्टरियोल आर कॉल्ड एज रेजिस्टेंस वेसल बिकॉज दे अप्लाई रेजिस्टेंस टू द ब्लड। वेनस सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम कैपिलरीज। अब दूसरा सिस्टम जो है हमारा दैट इज वेनस सिस्टम। ठीक, अब आर्टीरियल सिस्टम ब्लड को टिश्यू तक लेके जाएगा, फिर कैपिलरी से एक्सचेंज होगा, देन कैपिलरी के बाद जो ये वापस ही चीजें आएंगी, ब्लड वापस आएगा, दैट विल कम इन वेनस सिस्टम। अब वेनस सिस्टम जो है वो स्टार्ट फ्रॉम कैपिलरीज एंड इट कैपिलरी से स्टार्ट होता है, कैपिलरी के दूसरे एंड से स्टार्ट होता है, एंड इट इंक्लूड्स, फिर कैपिलरी के बाद सबसे छोटी वेन आ जाएगी जिसका नाम वेन्यूल्स है, फिर उससे बड़ी वेन्स हैं, देन लार्जेस्ट वेन व्हिच इज कॉल्ड एज वेना कावा दैट विल कम। क्लियर, सो वेनस सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम कैपिलरीज एंड इट इंक्लूड वेन्यूल्स, वेन्स एंड वेना कावा। अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ ब्लड इज हेल्ड इन वेन्यूल्स एंड हेंस द वेन्यूल्स आर कॉल्ड कैपेसिटेंस वेसल्स। अब वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसमें देखें कि वेन्स जो है उनके लिए एक वर्ड यूज किया है कैपेसिटेंस वेसल्स। व्हाई दीज आर कॉल्ड कैपेसिटेंस वेसल, क्योंकि इनके पास कैपेसिटी होती है कि ये अपने पास लार्ज रिजर्व रखती हैं ब्लड का। क्लियर दैट,
जस्ट इंट्रोडक्शन। अब वेन की जनरली और थोड़ी सी बातें बास बुक में लिखी होंगी कि वेन का जो आउटर लाइनिंग है यानी जिस मटेरियल की वेन बनी है वो थिन है, लेस फ्लेक्सिबल है, ठीक है, डिस्टेंड हो सकता है, जबकि आर्टरी में स्मूथ मसल ज्यादा होते हैं, ठीक है। Now this diagram show just comparison के we have two type of circulatory system. Generally we talk के our circulatory system is composed of arteries and arterioles, venules. That is of systemic circulation. Systemic circulation क्या करता है? Heart से blood को pump करता है पूरी body में, उस circulatory system को हम कहते हैं systemic. दूसरा होता है जो left side of heart supply करता है blood जिन vessels में वो lungs की तरफ जाए उसको कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, बाकी को कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। इन दोनों में भी कुछ फर्क है, क्या है? ये जो है जैसे कहता है सारो मेनी टिश्यू सिस्टमिक सर्कुलेशन, कई टिश्यू को ब्लड सप्लाई करता है, दूसरी तरफ पल्मोनरी सिस्टम हमारे सिर्फ लंग को सप्लाई करता है। आर्ट्रियोल्स के अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा होती है तो हार्ट को लेफ्ट साइड को प्रेशर के साथ ब्लड पंप करना पड़ता है, इसलिए इसको कहते हैं हाई रेजिस्टेंस सिस्टम। क्लियर? अब हाई प्रेशर हेड यानी प्रेशर ज्यादा है, डेफिनेटली लेफ्ट साइड पे प्रेशर ज्यादा है। अब एक और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिखा है कि हाइपोक्सिक वैसोडाइलेशन यानी सिस्टमिक टिश्यू के अंदर अगर हाइपोक्सिया कहीं होता है तो वहां पे वेसल डायलेट हो जाएंगे। दूसरी तरफ लिखा है वेसोमोटर कंट्रोल यानी ब्रेन में एक एरिया है जिसको कहते हैं वेसोमोटर सेंटर, ये सिस्टमिक सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है। अगर जो है कहते हैं पूरी सिस्टमिक बॉडी यानी वेसल्स के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, पेरिफेरली ऐसा प्रॉब्लम हो जाए जिसमें पेरिफेरल एडिमा हो जाए तो वो क्या करेगा? उसकी वजह से सिस्टमिक एडिमा की वजह से वापस जो फ्लूड ज्यादा आएगा वो लोड पड़ेगा राइट साइड हार्ट के पास, क्योंकि बॉडी से वापस आता है ब्लड राइट साइड के पास तो राइट साइड फेल हो सकता है। दूसरी तरफ पल्मोनरी सर्कुलेशन इज लो रेजिस्टेंस सर्कुलेशन, लो प्रेशर सर्कुलेशन, एंड इम्पोर्टेंटली कल भी पॉइंट आया था क्वेश्चन आंसर सेशन में कि हाइपोक्सिया विल क्रिएट वेजो कंस्ट्रिक्शन इन केस ऑफ दिस पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्लियर दैट? सो दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ कंट्रोल इज लोकल कंट्रोल इज मोर हेयर and few vasomotor control in pulmonary circulation, and if heart is unable to receive the blood from the lungs so left side of the heart will be affected card as left heart failure. Okay. Now basic principles of circulatory function kya hai, basic rules kya hai, that we will discuss. Basic rule number one is कि blood will flow to most tissue is controlled according to the tissue need. It means tissue need is more, there will be more blood flow. If tissue need is less, there will be less blood flow to the tissue. ठीक? Number two, cardiac output is the sum of all local tissue flow. अब इस point को मैं समझाता हूँ। ये point basically ये कह रहा है कि heart जो है जो blood pump करता है एक मिनट में उसको हम कहते हैं cardiac output। इसकी detail आगे आएगी। अब जितनी भी तमाम टिश्यू से ब्लड हार्ट की तरफ आ रहा है वापस वही हार्ट पंप करेगा, तो हम कह सकते हैं कि जो हार्ट आगे ब्लड पंप कर रहा है वो जो है तमाम लोकल टिश्यू से जो फ्लो हो रहा है उसका सम है। इट्स नॉट रॉन्ग, दिस इज करेक्ट। व्हेन ब्लड फ्लो थ्रू अ टिश्यू इट इमीडिएटली रिटर्न बाय द वे ऑफ द वेन टू द हार्ट रिस्पॉन्ड ऑटोमेटिकली टू दिस इंक्रीज इन फ्लो ऑफ ब्लड बाय पंपिंग इट इमीडिएटली बैक टू आर्टरी। यानी जितना हार्ट की तरफ ब्लड फ्लो ज्यादा होगा आगे पंप से आगे तक। क्लियर? नंबर थ्री, आर्टेरियल प्रेशर रेगुलेशन इज जनरली इंडिपेंडेंट ऑफ आइदर लोकल ब्लड फ्लो कंट्रोल और कार्डियक आउटपुट कंट्रोल। आर्टेरियल प्रेशर जो है वो इंडिपेंडेंटली उसकी रेगुलेशन होती है। द सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रोवाइडेड विद एन एक्सटेंसिव सिस्टम फॉर कंट्रोलिंग आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। दैट विल बी आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, विल डू इन सेपरेट क्लास। नाउ What this diagram show? See that. ये क्या डायग्राम बता रही? थोड़े इसको देखें, इसमें क्या है?
थोड़ा सा कंसंट्रेट करें इस डायग्राम पे, व्हाट इट शो। अगर आप देखेंगे इसको, एक तरफ लिखा है P1, दूसरी तरफ लिखा है P2, ठीक है, वेसल्स है। सपोज करें एक आर्टरी, ये क्या लिखा है, ब्लड फ्लो। सपोज करें राइट की तरफ ब्लड फ्लो हो रहा है, P1 से P2 की तरफ हो रहा है, क्यों होगा, दूसरी तरफ भी हो सकता है। याद रखें, ब्लड हमेशा फ्लो होगा आर्टरी से वेनस साइड पे, या हम कह सकते हैं कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की साइड। P1 प्रेशर ज्यादा है, P2 कम है, तो P1 से P2 की तरफ जाएगा। अब कितनी तेजी से जाएगा ये डिपेंड करता है प्रेशर ग्रेडियंट पे, यानी जितना प्रेशर का फर्क होगा उतना ब्लड फ्लो तेज होगा, ठीक। दूसरी तरफ ये क्या लिखा हुआ, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है, रुकावट, ब्लड फ्लो में जो रुकावट है वो रेजिस्टेंस वो प्रोवाइड करेगा ये आर्ट्रियोल, ठीक है। अंदर इसके अगर इसका ल्यूमन कम हो जाएगा और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, तो ब्लड फ्लो के लिए प्रेशर डिफरेंस पे डिपेंड करता है, प्रेशर डिफरेंस ज्यादा होगा ब्लड फ्लो ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगी ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस विल अपोज ब्लड फ्लो, इंपीडेंस टू ब्लड फ्लो, क्लियर। अब ब्लड फ्लो क्या है, ब्लड फ्लो रेट मींस द क्वांटिटी ऑफ ब्लड दैट पासेस ए गिवन पॉइंट इन सर्कुलेशन इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक वक्त में जो ब्लड फ्लो हो रहा है किसी खास वेसल से, हम उसको कैलकुलेट करें उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, वो ब्लड फ्लो है। ब्लड फ्लो को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, मिलीलीटर पर मिनट या लीटर पर मिनट में एक्सप्रेस। हाउ विल मेयर दैट, कैसे मेयर करते हैं, बुक ने भी लिखा है बात, इसको थोड़ा आपने ये पॉइंट इसमें याद करना, प्रोसीजर नहीं हमने याद करना है, सिंपली हमने इंस्ट्रूमेंट या प्रोसीजर का नाम याद करना है कि अगर हम किसी वेसल से ब्लड का फ्लो निकालना चाहें कि कितना ब्लड फ्लो हो रहा है, उसके लिए जो मीटर यूज करते कहते हैं उसको फ्लो मीटर कहते हैं। कुछ सिंपल मैकेनिकल फ्लो मीटर होते हैं, कुछ होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर, आजकल अल्ट्रासाउंड की मदद से भी ब्लड फ्लो वी कैन मेयर, दैट इज कॉल्ड अल्ट्रासोनिक डॉपलर फ्लो मीटर। ये कभी कभी डायबिटिक पेशेंट के फुट का एक अल्ट्रासाउंड होता है, उसको कहते हैं डॉपलर लेग, वो इसी प्रिंसिपल पे हो सकता होता है कि वो जो खास किस्म का अल्ट्रासाउंड मशीन होती है जिसको डॉपलर मशीन कहते हैं, वो फीट का डायबिटिक पेशेंट के उनका ब्लड फ्लो से मेयर करता है, वो बताते हैं ब्लड फ्लो नॉर्मल है कम है क्या है, ठीक। अब दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग, लेमिनर फ्लो ऑफ ब्लड इन द वेसल। अब ये बात कर रहा है बेसिकली लैमिनर फ्लो, अगर एक स्ट्रेट वेसल है, ठीक है, स्मूथ है अंदर उसका ल्यूमन, तो ब्लड जो उससे फ्लो होगा वो ब्लड इट विल फ्लो इन स्ट्रीम लाइंस विद ईच लेयर ऑफ ब्लड रिमेनिंग इन द सेम डिस्टेंस, यानी समझ लें कि ब्लड के अंदर क्या है, हमारे मॉलिक्यूल हैं जैसे सेल्स हैं ब्लड वेसल्स के अंदर, RBC, WBC, प्लेटलेट, ब्लड एक फ्लूड फॉर्म में अंदर सफर कर रहा होता है, किसमें, ब्लड वेसल्स में। अगर ब्लड वेसल स्मूथ है, कोई उस ब्लड के साथ उसकी लेयर जो है गड़बड़ नहीं कर रही, तो जो ब्लड अंदर ट्रेवल होगा वो इक्वली एक स्ट्रेट लाइन में चलता रहेगा, और जो ब्लड की लेयर्स हैं वो इक्वली डिस्टेंस में होंगी एक दूसरे से, क्लियर। इसको कहते हैं सीधा फ्लो, स्ट्रीम लाइन फ्लो या लेमिनर फ्लो, क्लियर। सो लेमिनर फ्लो इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रीम लाइन फ्लो, इट इज स्ट्रेट लाइन फ्लो। इसके अपोजिट क्या है कि गड़बड़, यानी ये क्या है, सिंपल आप समझ लें कि अगर एक बंदा है वो एक हमने उसको रास्ता दे दिया, स्ट्रेट लाइन लगाई, उसी पे चल रहा है सीधा सीधा, तो वो क्या है, स्ट्रेट लाइन फ्लो है, स्ट्रीम लाइन फ्लो है, सीधा उसका जाना है। उसके अगेंस्ट अगर एक आदमी है जो जिगजैग जा रहा है, दाएं बाएं घूम फिर के जा रहा है, ठीक, उस लाइन के इर्द गिर्द, तो उसको हम कहेंगे टर्बुलेंट फ्लो। अगर इस तरह का फ्लो वेसल में हो रहा है जिगजैग मैनर में, और ब्लड के मॉलिक्यूल कभी इस तरफ टकरा रहे हैं दाएं वेसल के वाल के साथ, कभी बाएं टकरा रहे हैं, और उसमें टर्बुलेंस है, गड़बड़ है फ्लो के अंदर, उसको कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। इट इज अ टाइप ऑफ ब्लड फ्लो इन विच ब्लड फ्लोइंग इन ऑल डायरेक्शंस इन द वेसल्स एंड कंटिन्यूअली मिक्सिंग इन द वेसल।
when the rate of blood flow becomes too great, when it passes by an obstruction in the vessel, then when it makes a sharp turn or when it passes over a rough surface, the flow may then become turbulent. और डिसऑर्डर रेदर देन स्ट्रीमलाइन. ये बात सिंपल ही वही कर रहा है कि अगर ये क्यों होगा, ब्लड वेसल अंदर से खुरदरी हो जाए, स्मूथनेस खत्म हो जाए, या कहीं शार्प टर्न आ जाए ब्लड वेसल के अंदर, या कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, तो उससे क्या होगा, छोटी ऑब्स्ट्रक्शन जिसमें से ब्लड फ्लो हो सके, कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन में ब्लड फ्लो नहीं होगा, तो फिर उस वजह से क्या है, ब्लड में टर्बुलेंस क्रिएट होगी. ठीक, इंतशार पैदा होगा उस ब्लड फ्लो में. उस इंतशार की वजह से फ्लो सीधा नहीं रहेगा, नॉर्मल नहीं रहेगा, स्ट्रेट लाइन में नहीं रहेगा. दैट इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन ब्लड फ्लो. टर्बुलेंट फ्लो मींस दैट द ब्लड फ्लोस क्रॉसवाइज इन द वेसल एंड अलोंग द वेसल, यूजुअली फॉर्मिंग वॉल्स इन द ब्लड कॉल्ड एडी करंट्स. अब ये कह रहे हैं कि ब्लड के अंदर जो है धार सी बनेगी, धारी सी, उनको ये वर्ड यूज कर रहा है एडी करंट्स, वॉल्स कहते हैं. These eddy currents are similar in the wire loop that can be seen in the rapidly flowing river at a point of obstruction. ये कह रहे हैं river के अंदर जो है अगर किसी जगह पे obstruction है तो उससे क्या होगा, वहां पे भी अजीब किस्म का आप देखेंगे पानी इर्द गिर्द जो है वो, अगर कहीं पे रुक जाए, रुकावट है, तो पानी इर्द गिर्द जाता है. ठीक है, आवाजें भी अजीब से वहां क्रिएट होती, तो उसको कहते हैं, ये क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एडी करंट्स. ठीक, वायर लूप्स में हम देख सकते हैं ब्लड फ्लो विद ए मच ग्रेटर रेजिस्टेंस. वहां पे क्योंकि रेजिस्टेंस है, बीच में रुकावट हो गई, तो ब्लड इधर उधर फ्लो करेगा. बिकॉज एडी इज एड टू द ओवरऑल फ्रिक्शन ऑफ फ्लो इन द वेसल ट्रेमेंडसली. ये एडी करंट उसी को कहते हैं, यानी धारें जो है ब्लड की वो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा वो फ्लो, दैट इज कॉल्ड एज एडी करंट्स. तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब ये ब्लड जो फ्लो हो रहा है, इस फ्लो को मेजरमेंट के लिए क्या है, एक नंबर यूज होता है टर्बुलेंस की मेजरमेंट के लिए, इसको कहते हैं रेनॉल्ड नंबर. ये कांस्टेंट नंबर है, इसकी वैल्यू है, ये वैल्यू जितनी बढ़ती जाएगी ब्लड के अंदर टर्बुलेंस उतनी ज्यादा होगी. The constant number which shows tendency to turbulent flow is called Reynolds number. When Reynolds number rises above 200 to 400, turbulent flow will occur at some branches of the vessel, but will die out along the smooth portion of the vessel. ये कह रहे हैं कि अगर इसकी वैल्यू 200 से 400 तक हो जाए, ब्लड वेसल उसी में होगा जिसमें अंदर स्मूथ सरफेस ना हो या टर्न आ जाए, वहां पे टर्बुलेंस क्रिएट होगी, और वो टर्बुलेंस फिर जहां पे अगर स्मूथ वेसल आ जाएगा खत्म हो जाएगी. However, when Reynolds number rises above approximately 2000, लेकिन अगर ये नंबर बहुत बढ़ जाए, तब क्या होगा? Turbulence will usually occur even in a straight, smooth vessel. क्लियर? तो इसको याद करना है सिंपली. इसका कभी BCQ आ जाते हैं कि Reynolds number shows the tendency for turbulence. Always it will cause turbulence low when its value is the above range of 2000. ठीक, इस तरह के आपके पॉइंट आपके क्लियर में हो. दिस इज योर बुकिश पार्ट. अब ये बात कर रहा है, जैसे दिस स्टेटमेंट, कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, यानी जितनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी वेसल ब्लड को कंडक्ट कम करेगा. रेजिस्टेंस कम होगी, कंडक्टेंस ऑफ ब्लड ज्यादा होगा. सेम एज इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का उसूल है, कंडक्टेंस इज अ मेजर ऑफ द ब्लड फ्लो थ्रू अ वेसल फॉर अ गिवन प्रेशर डिफरेंस. दिस मेजरमेंट इज जनरली एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ ml पर सेकंड, यानी जितने ब्लड फ्लो हो जितने टाइम में वो इसका यूनिट होगा. इसको हम एक्सप्रेस मिलीलीटर पर सेकंड, लीटर पर सेकंड, किसी भी यूनिट में कर सकते. ये ब्लड फ्लो का यूनिट कहलाएगा. This is important law, basically known as Poiseuille law. What Poiseuille law show? Poiseuille law show relationship of blood flow with different things. अब ये diagram यहाँ देख ले, F is equal to pi, फिर delta P है, R का 4 power है, then upon 8 है, ये N की तरह एक constant parameter है, तो that show viscosity, then L. What these are parameters we'll do? F is the rate of blood flow. अब इस डायग्राम से देखें, rate of blood flow directly proportional किससे? एक तो delta P से. Delta P क्या है? Pressure difference between end of vessel. हमने कहा pressure difference जितना ज्यादा होगा flow उतना ज्यादा होगा. एक बार
आर इज द रेडियस ऑफ ब्लड वेसल, रेडियस के आगे वो डिस्क्रिप्शन है, यहाँ समझ लें कि ब्लड फ्लो विल बी इन डायरेक्ट रिलेशन विद फोर्थ पावर ऑफ रेडियस, यानी रेडियस एक दफा बढ़ेगा तो फोर्थ पावरली उसका ब्लड फ्लो बढ़ेगा, यानी रेडियस को अगर हम टू बढ़ा दें, टू टाइम्स बढ़ा दें किसी वेसल्स के, तो ब्लड फ्लो कितने टाइम्स उसमें बढ़ जाएगा, 16 टाइम फोर्थ पावर से, ठीक है, फोर्थ पावर से रिलेशन है ब्लड फ्लो के, ये इंपॉर्टेंट है फॉर बीसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। लेंथ इज द एल इज द लेंथ ऑफ वेसल, इससे अपोजिट रिलेशन है, देखें जितना वेसल की लेंथ ज्यादा होगी उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, ब्लड को दूर जाना पड़ेगा तो फ्लो डेफिनेटली कम हो जाएगा, ठीक। एन इज द विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड, विस्कोसिटी के साथ भी अपोजिट रिलेशन है, जितना ब्लड गाढ़ा होगा उतना स्लो स्लो जाएगा, जितना ब्लड पतला होगा लेस विस्कस होगा तेजी के साथ जाएगा, फ्लो बढ़ जाएगा, अपोजिट रिलेशन विद विस्कोसिटी एंड लेंथ ऑफ वेसल। बाकी चीजें प्रेशर डिफरेंस और रेडियस के साथ डायरेक्ट रिलेशन। नोट पार्टिकुलर इन दिस इक्वेशन द रेट ऑफ ब्लड फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द रेडियस ऑफ द वेसल, व्हिच डेमोंस्ट्रेट वन अगेंस्ट दैट द डायमीटर ऑफ द ब्लड वेसल व्हिच इज इक्वल टू ट्वाइस द रेडियस, रेडियस होता ही हाफ ऑफ डायमीटर है, प्लेज द ग्रेट रोल ऑफ ऑल फैक्टर इन डिटरमाइन द रेट ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू अ वेसल, ठीक। तो ये फैक्टर थोड़े से आप इसको रिपीट करेंगे, देन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड। Now, blood reservoir function of the veins. Basically, if we check के human body contain, we say के 8 liter of blood. Sorry, 6 liter या 5 liter of blood. Now, among them, where that blood is present? That is a valuable question. कि ये blood कहाँ है? 6 liter हम बात कर रहे हैं, पड़ा हुआ कहाँ पे 6 liter? तो ये लाजमी बात है, क्लोज सिस्टम में, कुछ हार्ट के अंदर होगा, कुछ आर्टरियों में होगा, कुछ कैपिलरीज में होगा, कुछ वेन्स में होगा, वेन्यूल्स में होगा, हर जगह पड़ा होगा, कंटिन्यू गर्दिश में है ब्लड। अब ड्रामेटिकली देखेंगे 60% ये ब्लड कहाँ होता है, दैट इज इन वेन्स, फॉर दिस रीजन एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ वेन्स आर सो कंप्लायंट, द वेनस सिस्टम सर्व एज अ ब्लड रिजर्वायर। अब ये वेनस सिस्टम 60% है, ये रिजर्वायर इस तरह है कि अगर बॉडी में किसी पार्ट को ब्लड की जरूरत पड़ती है तो इस वेनस सिस्टम से वो ब्लड उस जगह मूव हो सकता है, ठीक। अब ये डायग्राम क्लियर कट हमें डिस्ट्रीब्यूशन बता रहे, ब्लड पूरा ब्लड है, अगर 6 लीटर हम सपोज करें, 5 लीटर सपोज करें, उसमें से 7% हमारा हार्ट में होगा, आर्टरीज में 13% होगा, आर्टरियोल्स एंड कैपिलरीज में सिर्फ 7% होगा, सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो है 84% होगा, ये टोटल सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं, उसके अंदर देखें वेन्स वेन्यूल्स वेनस साइनसेस में कितना है, 64% मेजॉरिटी ऑफ परसेंटेज इज प्रेजेंट इन वेन्स वेन्यूल्स। ये सिस्टमिक का मतलब है जो आर्टरी आर्टरियोल है लेफ्ट साइड से जो निकल रही वो सिस्टमिक सर्कुलेशन है, उनमें 84% है, वाइल पल्मोनरी सर्कुलेशन में 16% है। अब सिस्टमिक में जो टोटल ब्लड का जो 64% है वो वेन्स वेन्यूज में, पल्मोनरी सर्कुलेशन में देखें 9% बता रहे हैं, कम है बहुत। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लेक्चर, दिस वाज आवर टुडेज लेक्चर इन विच वी डिस्कस द बेसिक पॉइंट ऑफ द सर्कुलेशन, दिस वाज इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑफ सर्कुलेशन इन विच वी डिस्कस के वी हैव 2-3 टाइप ऑफ वेसल्स, आर्टरीज वेन्स एंड कैपिलरीज। Arteries are called, in especially arterial resistance vessel. Veins are called as the blood reservoir. Then we discuss the blood flow. Then we discuss systemic and pulmonary circulation difference. We discuss an important law known as Poiseuille law, which show relationship of blood flow with different parameters. So thank you so much. Rejoin for question answer session.